the maths class, and in maths we have started our chapter 14, that is division, getting ready. So in division we have done how to share things equally. We have done by using different things, and we have already done divide the things into groups. And today we are going to learn division on number line. So I have been made a number line on the board. So just we will check this number line. Number line क्या होती है? सबसे पहले तो कि जो आप line बनाते हो उसके ऊपर number लिखते हैं, that is called number line. Okay? So here is a number line which we have started number from 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. इस पर 15 तक numbers लिखे थे. और उन नंबर्स को क्या किया है, मैंने उनको डिवाइड किया है. ठीक है, सो फर्स्ट आई स्टार्टेड विद 0 टू 5, देन 10, देन 15. सो मतलब 15 को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, एंड दिस इज थर्ड पार्ट. यानी कि इक्वल डिवाइड हुए ये. सो 0 टू 5 5 हो गया. फिर 6 टू 10 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया यहाँ पर भी. फिर 11, 12, 13, 14, 15, ये भी 5 हो गया. तो 15 को मैंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, और वो क्या हो गया, 5, 5 के यहाँ पर 3 ग्रुप्स मेरे बन गए हैं. इसी सीरीज में नाउ वी आर गोइंग टू डू आर लेट्स ट्राई 2. सो वी विल स्टार्ट. सो लेट्स ट्राई 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा. यूज द नंबर लाइन टू सॉल्व द फॉलोइंग. हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है, और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें नंबर लाइन को यूज करना है. सो द क्वेश्चन इज मुरली हैड 72 टॉफीज. मुरली के पास कितनी टॉफीज हैं, उसके पास 72 टॉफीज हैं. ही पुट ऑन इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज और स्वीट्स इन टू 8 bags. How many sweets were there in each bag? देखिए मुरली के पास कितनी sweets हैं? He had 72 sweets, और हमें उनको 8 bags में equally रखना है. ठीक है, और हमें बताना है कि one bag में, यानी कि each bag में कितनी toffees या sweets जो भी हैं वो आएंगी. और हमें hints दिए हैं, use all 8 number lines. So we have to solve this on number line. क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर 1 to 80 ऑन देम. हमें नंबर लाइंस दी हुई हैं, उन पे हमें क्या करना है, पहले नंबर्स को राइट करना है. सो आई एम गोइंग टू मेक नंबर लाइन हियर. So because we have to write the numbers, so already हमारे पास आपकी बुक में देखे दिया हुआ है आपको पेज नंबर 115 में आपको नंबर लाइंस बनाई हुई है 1 to 10. इसी तरह से नंबर लाइंस बनाई हुई है सारी. सो यू विल स्टार्ट विद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So it is already given in your book, but उसके आगे का हमें खुद से ही लिखना है. So I am writing here 21, then we will divide it. First we are going to write the counting on the number line, then we will divide. Thirty-one, thirty-two, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
then 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, because we have to make number line till 80. So 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, then we have made number line till 80. 80 तक मैंने नंबर लाइन बना ली है। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स 1 टू 80 वी हैव रिटन। फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा कि हमें नंबर लाइन पे 1 से 80 तक बनाने नंबर्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मार्क द नंबर 72। अब हमें क्या करना है, 72 को मार्क करना है। सो हियर आई हैव 72, मैंने इसको मार्क कर दिया है, सर्कल कर दिया मैंने इसको। So this is number 72 I have been marked here. Next देखिए, what is the next question? Question number 3. Question number 3 is Bunny Hope forwarded by A to reach 72. Okay, तो यहाँ पर क्या दिया है कि Bunny को क्या करना है, अगर उसको 72 पर पहुँचना है तो उसको 8 का jump लेना पड़ेगा, यानी कि 8 numbers का। So we will start. जब भी आप नंबर लाइन पे वर्क करेंगे यू विल स्टार्ट विद जीरो। सो फर्स्ट वी विल गो 0 to 8, जीरो से हम गए 8 पर। अब हमें इसके बाद भी क्या करना है, हमें 8 पर ही जाना, मतलब 8 नंबर्स को जंप करना है। सो वी विल स्टार्ट विद 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप 8 पर आते हो तो आप यहाँ पर पहुंचेंगे 16 पर। नाउ वी हैव टेक अनदर 8 जंप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप 8 पर पहुंचेंगे तो आप 24 पर पहुंचेंगे। उसके बाद फिर वी विल टेक 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो वी विल स्टार्ट 6, देन 7, 8, वी रीच ऑन 32। नेक्स्ट 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो वी विल रीच ऑन 40। जिस भी नंबर पे हम जा रहे हैं, जहां से शुरू कर रहे हैं, हम उसको मैच करें, वहां पे मिला देते हैं उसको, ठीक है। ओके, बट वी विल स्टार्ट विद 17 ना, यहीं से शुरू करेंगे हम इसको एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट नंबर। ओके, नाउ वी हैव डन टिल 40 तक आपने कर लिया है। अब 40 के बाद हम काउंट करेंगे 8। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहीं से स्टार्ट करके हम लेकर आएंगे अपना 48 तक। 8 हो गया हमारा, फिर नेक्स्ट 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आप 8 पर पहुंचेंगे 56 पर। सो दैट इज 56। नाउ नेक्स्ट 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो वी विल स्टार्ट एंड we will reach on 64. Now we have to take next one, क्योंकि हमें 72 तक पहुंचना है। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा 6 हुआ एंड 7, 8, तो हम यहाँ पहुंच गए हैं 72 पर, हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट जंप, ठीक है। हमने कंप्लीट जंप कर लिए हैं, अब हमें बताना है कि टोटल बैग्स कितने हैं। अब बैग्स हमें कैसे पता चलेगा, जब हम जंप्स को काउंट करेंगे। ये हमारी है फर्स्ट जंप, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड। जो आप 24 पर पहुंचे हो, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ये थर्ड है आपकी और ये आपकी सेकंड है। फिर आप पहुंचे हो फोर्थ पर, दिस इज फोर्थ जंप,
देन 40 पर आप फिफ्थ पे पहुंचे हैं, 5, फिर 48 पे 6, 56 पर 7 एंड 64 पर 8 जंप्स, और यहाँ पर 72 पे ये लास्ट है आपका, तो दिस इज 9। सो 9 आपने यहाँ पे जंप्स लिए हैं। अब उसने पूछा है कि आपको कितने बैग्स चाहिए, देयर वर डैश स्वीट्स इन ईच बैग, एक बैग में कितनी स्वीट्स हैं। सो वी हमें उनको क्या बताना है कि देयर आर डैश स्वीट्स इन ईच बैग। देखिए हमने जितने भी जंप्स लिए हैं उतनी ही स्वीट्स क्या होंगी, बैग में होंगी। तो वी हैव टेकन टोटल 9 जंप्स, कितने जंप्स लिए हमने, 9 जंप्स। सो वी कैन से देयर आर 9 स्वीट्स इन ईच बैग। ओके, नाउ वी विल डू अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर बी इज, आई वांट टू शेयर 25 टॉयज इक्वली अमंग माय फ्रेंड। देखिए एक बच्चा है जिसके पास क्या है, 25 क्या है उसके पास टॉयज हैं, और वो उनको अपने फ्रेंड्स में इक्वली शेयर करना चाहता है। ठीक, ओके, अब क्या है आगे, बट आई डू नॉट वॉन्ट एनी ऑफ देम टू गेट मोर देन 5 टॉयज। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि किसी को 5 से ज्यादा टॉयज मिले। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू आई हैव, और उसके पास कितने फ्रेंड्स है ये बताना है। एंड हिंट्स आपको दिए, यूज ऑल 3 नंबर्स लाइन, हमें नंबर लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी उसके लिए, एंड वी हैव टू मेक 3 नंबर लाइंस। ओके, सो वी विल डू क्वेश्चन नंबर बी। Question number B, we will make number line. Question number B is there. 1, 2, and 3. ठीक है, ये 3 number lines हैं. And we are going to make them 0 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, then 20, because we have to make 3 number lines, so we are going to make them 25, 27, 28, 29, then 30. Okay, so we have been made 3 number lines, और अभी उसने हमें क्या कहा है कि उसके पास कितने टॉयज है, 25 टॉयज। तो हम 25 को पहले मार्क कर लेते हैं, उसके पास 25 टॉयज हैं, और वो क्या चाहता है कि उसके किसी भी फ्रेंड को वो 5 से ज्यादा टॉयज ना दे। ठीक, तो अब और उसको ये भी पता करना है कि उसके पास कितने फ्रेंड्स हैं, उसके टोटल कितने फ्रेंड्स हैं। सो वी विल स्टार्ट, हमें 5-5 करना है मार्क, तो हम 5 मार्क करेंगे। वी विल स्टार्ट विद 0। ओके, सो 0 to 5, 1, फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट 5, देन वी विल टेक नेक्स्ट 5, 1, 2, 3, 4, 5, देन 5, 1, 2, 3, 4, 5, एंड वी हैव टू रीच टिल 25, सो वी हैव रीच हेयर। नाउ वी विल मार्क कि कितने हैं यहाँ पर उसका, ये हो गया 1, अंदर लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो हाउ मेनी ग्रुप्स वी मेड हियर, वी मेड हियर 5 ग्रुप्स। अब देखिए क्योंकि हमारे 5 ग्रुप्स बने हैं और उसने कहा था कि उसके किसी भी फ्रेंड को 5 से ज्यादा टॉयज नहीं मिलने चाहिए, तो टोटल हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैव, he have 5 friends, जैसे हमने ग्रुप बनाए क्योंकि हमें 25 तक पहुंचना था, because he had 25 toys, तो हम पहुंचे हैं 5 ग्रुप्स पे, तो it means he had 5 friends, so answer number B is 5 friends, so he had 5 friends, आप लिख सकते हैं I have 5 friends, जो आपका box दिया हुआ you can write here 5 friends। So we have done our question number A and B of Let's Try 2.